हेलो, तो क्या हाल है आप लोगों के? मेरे सब बढ़िया होगा। तो पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में, ट्यूटोरियल की वीडियो में, मैं सिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन कैसे जा सकते हैं जेल ब्रेक के साथ। देख सकते हैं आप कि मेरी PS3 पूरे तरीके से जेल ब्रेक भी पड़ी है। आप ऑनलाइन कैसे खेल सकते हैं जेल ब्रेक के साथ, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे खेल सकते हैं आप ऑनलाइन जेल ब्रेक के साथ। तो उसके लिए पहले आपको चाहिए अपना वाईफाई, या अगर आप, मैं एथरनेट केबल यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखिए मेरी PS3 है, और इस PS3 के अगर आप साइड पे देखें तो ये मैं एथरनेट केबल यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए मैं अभी इसे लगा देता हूँ। वाईफाई और एथरनेट केबल से दोनों का सेम प्रोसेस है, पर एथरनेट केबल का ये फ़ायदा है कि वो ज़्यादा तेज़ होती है वाईफाई से। तो इसे मैं लगा देता हूँ। तो अब मेरी एथरनेट केबल लग चुकी है, और अब हम चलते हैं अपने PS3 की ओर। तो इसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, जो जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कौन से है वो सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको अपनी PS3 जेल ब्रेक करवानी है तो आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, लिंक दिया होगा, या साइड पे आई बटन पे भी आ रहा होगा कैसे जेल ब्रेक करना है अगर आपकी अभी तक जेल ब्रेक नहीं पड़ी। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, जितने भी सॉफ्टवेयर मैं अपने जेल ब्रेक में यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के लिंक में ही मिलेगा। तो आप वहाँ पर जाके उसे ले सकते हैं। तो अभी हम बात नहीं करते इतनी, और हम चलते हैं जो काम करने हम आए हैं उसके लिए। हम जाएंगे, मैं अपने कैमरे को थोड़ा सेट कर लूँ, ऊपर कर लिया, थोड़ा बाहर कर लूँ। ओके, अब हमें करना है अपने नेटवर्क सेटिंग्स पे। अभी कुछ नहीं करना, आपको नेटवर्क सेटिंग्स पे जाना है, आपको फिर इंटरनेट कनेक्शन इनेबल करना है, इंटरनेट कनेक्शन सेटिंग्स पे जाना है। इसे इजी कर लीजिए, कुछ नहीं करना हमें, कोई IP एड्रेस वगैरह की चेंजिंग नहीं करनी हमें, बस हम बस चलते हैं अभी। और उसके बाद आप देख सकते हैं, ये अगर आपके पास वाईफाई है तो उसका कर लेगा, अगर वाई कनेक्शन है बिना पासवर्ड के कर देगा। ओके, दबाइए, टेस्ट कनेक्शन करिए। जैसे इंटरनेट कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, PSN के ऊपर ही आप रुक जाइए, वरना अब बस सर्कल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए अगर इंटरनेट कनेक्शन आ जाता है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ना गेम्स अपने पैकेज फोल्डर में जाना है। ये सारी फाइल्स का मैंने लिंक मैंने दिया हुआ है सब कुछ, कि आपको क्या क्या करना है। आपको इसके लिए सिर्फ दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, एक है GT Academy 2013 या सैन एनेबलर होगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और PSN पैच होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सैन एनेबलर पे। हेलो, तो अभी स्टार्ट होगा सैन एनेबलर। जैसे सैन एनेबलर स्टार्ट होता है, आपको क्रॉस दबाना है। क्रॉस दबाने के बाद आपको साइड पे ना ये ग्रीन कलर का है जिसके ऊपर है, तो आपको राइट साइड पे जाना है, सेकंड ऑप्शन पे, जिसका ऊपर होगा सैन /PSN ऑप्शन। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सैन, मैं अभी जूम करके दिखाता हूँ, तो ऐसे कुछ ऑप्शन आएगी, ऊपर सैन होगा आपके, हो सकता है, मैंने तो सैन पहले ही इनेबल किया हुआ, और ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि सैन पहले ही इनेबल होता है। तो अगर यहाँ पर डिसेबल सैन लिखा आ रहा है, पर अगर आपके इनेबल सैन लिखा आए तो आपको क्रॉस दबाना है। क्रॉस दबा दिया आपने, फिर उसके बाद थोड़ी लोडिंग होगी, और आपका कंसोल रीस्टार्ट होगा। मैंने तो इनेबल किया हुआ है इसलिए मैं नहीं कर रहा, वरना अगर आपके यहाँ, अगर यहाँ पर डिसेबल की बजाय इनेबल आ रहा हो आपके, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो चलो चलते हैं, सर्कल एग्जिट कर देते हैं हम इसे। मैंने एग्जिट कर दिया है। हेलो अगेन, तो अब आपको पता क्या करना है, जैसे ही आपने अगर IDPS इनेबल कर लिया हो, सच सैन इनेबल कर दिया हो, तो अब आपको ना, ये तो मैंने CD डाल रखी है, मैं अपनी CD को निकाल देता हूँ। तो मैं निकालने, तो पहले मेरी CD को, ये तो मेरी गॉड ऑफ वॉर 3 की CD थी जो मैं खेल रहा था। तो आपको क्या करना है, आप सुन लीजिए, इससे आपका जेल ब्रेक थोड़े टाइम के लिए डिसेबल हो जाएगा, पर आपने अगर कुछ किसी भी चीज़ को मोड किया हुआ है तो वो चल पड़ेगी। तो आप वेबगन गेम्स पे जाइए, PS3 पे जाइए, तो और आप जो भी गेम को ऑनलाइन खेलना चाहते हो उसे ले लीजिए। मैं GTA 5 को खेलना चाह रहा था, पर उसके लिए थोड़ा प्रोसीजर है और मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं गॉड ऑफ असेंशन को चूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही हो जाए ना गॉड ऑफ असेंशन, क्विट कर दीजिए।
अब आप अपने उस गेम को लोड कर लीजिए जो आपको ऑनलाइन खेलनी है, ये है ना। तो आपको क्या करना है, आपको उसी फोल्डर में जाना है अगर आपने बनाया हुआ है, तो आपको अगली चीज़ पे जाना है जिसका नाम है PSN पैच। तो अब मेरी कंट्रोलर की ओर देखिए, आपको क्रॉस दबाना है और क्रॉस दबा के दबाते रखना है जब तक एक बीप की साउंड ना आ जाए। इसे दबा के रखना है, जब आपने इसे चला लिया एक बीप की साउंड आएगी, देखिए आ गई, तो इसे छोड़ दीजिए। अब आपका कंसोल रीस्टार्ट होगा। तो आप सेफली अब आप ऑनलाइन जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो कस्टम फर्मवेयर है ना, जो जेलब्रेक है, वो थोड़े टाइम के लिए चले गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी गेम अभी तक लोड होगी, पर अगर आप किसी मल्टीमैन वगैरह को चलाने की कोशिश करेंगे तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि ना आपका जेलब्रेक थोड़े टाइम के लिए चला गया है। तो अब अभी आप चला नहीं पाएंगे क्योंकि आपका जेलब्रेक चला गया है, पर आप किसी चीज़ को नहीं चला पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि गेम पहले लोड कीजिए। अब आपके चांसेस है कि आप 99% ना बैन हो, पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी ऑफिशियल PSN ID से लॉगिन ना करें, बल्कि आप नई PlayStation ID बना लीजिए और कर लीजिए। मैंने सेव किया हुआ पासवर्ड, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि साइन इन ऑटोमेटिक लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं जूम करके बताता हूँ। इसे आप मत क्लिक कीजिए, वरना अगर आपने इनेबल ना किया हो सेन को और ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो गया, तो आपका जेलब्रेक परमानेंटली उड़ जाएगा। और अब आप साइन इन कर दीजिए। नाइन्टी नाइन परसेंट चांसेस है कि आप बैन ना हो PSN से। और देखिए आप अंदर आ चुके हैं PSN के, तो अब आप कुछ भी कर सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा हाईली कि आप PlayStation स्टोर के ऊपर ना जाए, ये मेरी ऑफिशियल ID है। तो आपको करना क्या, आप अपने आप को वो दिखा सकते हैं। अब आप एक चीज़ करें, आप ना नीचे जाइए, अपने डिबग सेटिंग्स में जाइए, डिबग सेटिंग्स में जाके एकदम नीचे जाइए, वो भी आपको इसे ऑफ से ना ऑन कर देना है। और आपको ना ये PSN सोचेगा जैसे कि आप PlayStation Plus के नेट मेंबर हो। ये मेरी ऑफिशियल ID है KVS Gamer, नीचे वाली जो मेरे PS4 पे है, और ये जो मैंने अपने आप बनाई है। और अगर आप अब अपनी गेम को चलाएं, गेम को चलने दीजिए, क्योंकि अगर आप काफ़ी गेम्स ऐसी होती है आज भी PS3 के ऊपर है जिसके PS Plus मेंबरशिप चाहिए, जैसे गॉड ऑफ वॉर असेंशन वगैरह, तो उसके लिए ये बना है। तो आप इसे डाउनलोड की, अगर आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। In the time before the Titans, before the gods of Olympus, a great battle was waged. Okay, game अभी तक तो सही चल रही है, चलो ऑनलाइन खेल के देखते हैं गेम को, मेरा ठीक चल रही हो। गॉड ऑफ असेंशन चैम्पियन मार्क्ड बाय, ओके सर्कल, मुझे नहीं कुछ करना। PlayStation स्टोर में जाने की कोशिश ना कीजिए। तो मल्टीप्लेयर खेल के देते हैं, आज तक नहीं मैंने खेला ऐसे। तो दोस्तों मैंने तो खेल लिया गॉड ऑफ असेंशन को, काफ़ी सही लग रही थी, मैंने जेलब्रेक के थ्रू खेला उसे। बट मैं कुछ मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे चैनल को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लग जाए, इसलिए मैंने उसके स्टार्टिंग में कुछ बहुत ज़्यादा ब्लड वाले सीन थे जो कि मुझे निकालने पड़े, इसलिए सॉरी। वरना अगर मैंने तो बहुत मज़े किए उसे खेल के। तो देखिए अभी भी हम साइन इन है, और अगर आप चाहते हैं कि आप चाहते हो कि आप इससे ना कर नहीं सकते अकाउंट मैनेजमेंट में, आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी, मैं आपको बताना भूल गया। आपको सिस्टम एक्टिवेशन में PS3 सिस्टम गेम और इस सिस्टम को एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेशन कंप्लीट होगी तो अब आप ऑनलाइन बहुत अच्छी तरह से खेल सकते हैं, इससे भी अच्छी तरह से। तो अब आप अगर आप फिर से दोबारा अपना कस्टम फर्मवेयर लगाना चाहते हैं, मतलब ये दोबारा अपना जेलब्रेक चाहते हैं ऑफिशियल फर्मवेयर से, तो आप अपने अकाउंट मैनेजमेंट पे जाइए, ट्रायंगल दबाइए और साइन आउट के ऊपर क्रॉस कर दीजिए। और अब आपको एक काम करना पड़ेगा, उनके लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी, टर्न ऑफ सिस्टम। आप इस सिस्टम को टर्न ऑफ कर दीजिए। डीबग आ गया कि हमारा सिस्टम फिर से चल चुका है। तो अब देखिए ऊपर आ गया वेबमैन रोटेट, मतलब कि अभी भी हमारा कस्टम फर्मवेयर यहाँ की नहीं कि जेलब्रेक फिर से आ चुका है। तो अब मैं आपको थोड़ी टिप्स देना चाहता हूँ, बल्कि अगर आप फिर से ऑनलाइन जाना चाहते हैं
तो आपको ना थोड़ा स्टेप करना पड़ेगा, वो याद है आपको सैन इनेबलर, तो आपको अब सैन इनेबलर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली आपको सैन इनेबलर की। तो आपको अगर फिर से ऑनलाइन जाना है तो आपको बस वही सेम स्टेप करना है, अपनी गेम को लोड करना है सबसे पहले वेबमैन में जाके। तो इस बार मैं लोड करूँगा GTA 5 को, मेरे GTA 5 मैं इसे लोड कर रहा हूँ। क्लोज कर दो, लोड हो गया। तो जैसे ही आपकी गेम लोड हो जाती है GTA 5, आपको फिर से वही स्टेप दोहराना है, आपको फिर से कुछ नहीं करना है, उसके अंदर PSN पैच को दबाना है, क्रॉस को होल्ड करके रखना है और ऑन होने के तक का वेट करना है। ओके, तो जब तक ये ऑन होती है मैं आपको टिप दे देता हूँ, आप ना इसे बिना क्रॉस बिना दबाए PSN पैच के अंदर बिना जाए आप ना इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, पर आप ना PSN नेटवर्क के अंदर जाने की कोशिश मत कीजिए। और मैं आपको एक और टिप देना चाहता हूँ कि आप साइन इन के और बाद पहले ना आप साइन इन ऑटोमेटिकली ना कीजिए, वरना आपका कंसोल बैन हो सकता है, और जब आप PSN पैच कर ले तभी हो सकता है। अगर मैं आपको एक और भी बताता हूँ कि आपको सिर्फ वो जो सैन इनेबलर है आपको सिर्फ उसे एक बार इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपका काम हो गया, पर आपको PSN पैच को हर एक बार जितनी बार भी आपको ऑनलाइन जाना है उतनी बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं चला रहा हूँ GTA 5 को, तो आप चाहे तो अपना अपडेट ऑनलाइन यहाँ से ही कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करता है, पर फिर भी आप कर लीजिए, बैन का इतना ख़तरा नहीं है, 99% चांसेस ये है, मतलब 99% चांसेस है कि बैन ना हो, तो मैं आप कर लीजिए आराम से। तो मैं तो जा रहा हूँ, आप खेलिए इस गेम को, खेलिए ऑनलाइन, तो मैं जा रहा हूँ, मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तो गुड बाय।